चीन की बीआरआई का समर्थन करने वाले प्रचंड को अब नेपाल की संसद खरी खोटी सुना रही है। नेपाली सांसदों ने प्रचंड से कह दिया है कि वो नेपाल को भारत और चीन के बीच में बारूद न बनाए। उन्होंने भारत के साथ कुछ पक्ष और नेपाल के साथ अलग पक्ष रखने को लेकर प्रचंड से पूछा कि आप नेपाल को बारूद क्यों बना रहे हैं। दोस्तों, अगर आप देखें कि इंडिया की जो रीजनल नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जाती है, तो उसमें इंडिया जो है वो अपने जितने भी नेबर्स हैं सबके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात जो है वो रख रहा है और बहुत कुछ ऑफर कर रहा है। अगर आप नेपाल जाएं, मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है, तो नेपाल के अंदर सब कुछ जो है वो इंडियन ही है। इंडियन तो वहाँ पे ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे उनका अपना ही है, और फिर उनकी रिलीजियस कल्चरल अफिनिटी भी है नेपाल के साथ। हमारा नेपाल से सीधा साधा रिश्ता है, और मेरे नेपाली भाइयों बहनों, आपका भी भारत से सीधा साधा रिश्ता है। भारत और नेपाल को कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, यू आर अ सॉवरेन कंट्री, नेपाल एक अलग देश है, भारत एक अलग देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा, कोई डिस्प्यूट कर ही भी नहीं सकता इसको। तो वी विल हैव अ लुक कि ये है क्या, वी विल हैव अ रीअसेसमेंट ऑफ द डील, और अगर हमारे फेवर में नहीं हुआ तो वी विल कॉल इट अ डे। और वही उन्होंने किया, उन्होंने पहले इंडिकेट किया चाइना को कि भाई इट्स नॉट वर्किंग, उसके बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम बीआरआई से वापस जा रहे हैं। तो रिसेंटली भारत ने चाइना को डिप्लोमेटिकली खदेड़ दिया है नेपाल के अंदर। वो नेपाल शायद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के इंप्लीमेंटेशन प्लान को साइन कर देगा, बट भारत के डिप्लोमेटिक एफर्ट के कारण ये चीज नहीं हो पाई, जिसके बाद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर नेपाल जुड़ा तो है, पर अभी तक चाइना का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत नेपाल में शुरू नहीं हो पाया। और नेपाल आपको पता है शुरू से ही इंडिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और इंडिया ने अपना जो उसका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो हमेशा इसके ऊपर रहा है। अभी अगर आप देखें कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने जो नेपालीज गवर्नमेंट है उनको, जिसे कहते हैं ना, ही वांट्स टू विन ओवर देम, और उनको पता है कि इन वन वे और दी अदर वे हमें इनको जीतना ही है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, फाइनली नेपाल से वो गुड न्यूज़ आ गई जिसका हमें इंतजार था। अभी तक नेपाल जो है चाइना के फेवर में सारे डील्स कर रहा था। नेपाल की जो संसद है, सबसे दुख की बात ये थी कि नेपाल की संसद ओपनली भारत को अपना एक तरीके से अच्छा पार्टनर नहीं बता के चाइना के साथ सहयोग की बात करती थी, जबकि जो नेपाल के लोकल पीपल वो भारत से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो भारत और नेपाल को एक ही समझते हैं कि कभी नेपाल में आके काम करके भारत चले जाते हैं, और भारतीय लोग भी नेपाल में काम करके भारत आ जाते हैं, कोई बॉर्डर नहीं, कोई वीज़ा नहीं। लेकिन नेपाल की संसद लगातार भारत के खिलाफ एक तरीके से प्रोपागेंडा करती हुई नजर आती थी, कभी मैप में भारत के हिस्सों को अपना बता देना, ये सब चीज़ें। लेकिन अब एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को आया कि नेपाल की संसद के जो मेजोरिटी सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि बस अब हमें चाइना को और सपोर्ट करना हमारे लिए ही घातक हो जाएगा, और अगर अब हम लगातार चाइना को सपोर्ट करते रहें तो हम भारत के रूप में अपना ऐसा दोस्त खो देंगे जिसका सहयोग भविष्य में हम कभी नहीं पा पाएंगे। और नेपाल की सांसद ये भी कह रहे हैं कि चाइना ने जिस देश को भी मदद किया वो देश आज अपने पैरों पे खड़े नहीं है, तो इसलिए अब हमें चाइना से हट के बीआरआई को एक तरीके से सीधा थ्रेट देते हुए उन्होंने कहा कि अब हमें भारत के साथ ही कोलैबोरेट करना है। इंडिया ने, इंडिया को इस बात का पता है कि जो नेपाल है दैट इज़ प्रो चाइना, लेकिन अगर आप नेपाल जाएं, मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है, तो नेपाल के अंदर सब कुछ जो है वो इंडियन ही है। इंडियन तो वहाँ पे ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे उनका अपना ही है, और फिर उनकी रिलीजियस कल्चरल अफिनिटी भी है नेपाल के साथ। अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी थे, उन्होंने पिछले प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर दुबा को भी बहुत कुछ ऑफर किया था, जिसे वो कहते हैं ना एक एक, एक जिसे स्टार्टिंग फ्रॉम सिक्योरिटी, इकॉनमी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के हवाले से, तो वैसे ही वो बड़े, जिसे वो कहते हैं ना, उनका अपना ही है सारा कुछ। सो पिछले प्राइम मिनिस्टर को भी बहुत सारी चीज़ें ऑफर की गई थी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस के हवाले से, और उन्होंने सोचा कि ये हमारे जो नेबर हैं इसके साथ हमें अपने ताल्लुकात को इम्प्रूव करना है। और नेपाल आपको पता है शुरू से ही इंडिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और इंडिया ने अपना जो उसका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो हमेशा इसके ऊपर रहा है। अभी अगर आप देखें कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने जो नेपालीज गवर्नमेंट है उनको, जिसे कहते हैं ना, ही वांट्स टू विन ओवर देम, और उनको पता है कि इन वन वे और दी अदर वे हमें इनको जीतना ही है, हमारे पास, उनको पता है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ चाइना है, एक तरफ इंडिया है, और ये ना हो कि वो पाकिस्तान तो खैर इस खत्ते में इस तरह नहीं है, हमारी तो डायरेक्ट फ्लाइट भी नेपाल में नहीं है, हमारे नेपाल के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात भी नहीं है। सो एक तरफ इंडिया जो है वो नेपाल को फैसिलिटेट कर रहा है।
कि वो बांग्लादेश को बिजली बेचे, वो इंडिया को बेचे, ठीक है जी। तो उससे आप ये इमेजिन कर लें कि इंडिया बेसिकली फेवर दे रहे हैं, ठीक है जी। और ये कहा जाता है कि इंडिया और जो नेपाल है उसकी जो रिलेशनशिप में जो की चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो एनर्जी सेक्टर है। लेकिन इंडिया के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इंडिया का क्या मतलब मकसद हो सकता है इस चीज़ के हवाले से कि वो कहते हैं कि यार BRI फ्लॉप हो, क्योंकि आप लोग भी एक प्रोजेक्ट आप लोगों ने भी मिडिल ईस्ट वाला जो स्टार्ट किया, मिडिल ईस्ट यूरोप और US तक जाने वाला, फिलहाल तो मिडिल ईस्ट के हालात अच्छे नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन इरादा तो है इन सारी कंट्रीज। देखिए फकर भाई, अगर आप चीज को एनालाइज करें कि क्या चाइना सुपर पावर है, क्या अमेरिका सुपर पावर है, और अगर है तो व्हाट डिफाइंस पावर नाउडेज ना, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, कि क्यों चाइना का ग्रोथ रेजिस्ट किया जा रहा है और अमेरिका के ग्रोथ को या इंडिया के ग्रोथ को दोनों चाह रहे हैं कि इंडिया ग्रो करे, व्हाई वन ग्रोथ इज बीइंग रेजिस्टेड एंड अदर इज बीइंग प्रोपेल्ड आउट। ये तो आंसर है ना, यू नीड टू दिस बेग्स एन आंसर कि व्हाई इज हैपनिंग। China is not a rule of law internationally based country. China is my way or highway, take it or leave it. China was not doing any charity to Pakistan. Pakistan would have fallen into the same retreat as Sri Lanka did. कोई बड़ा वो नहीं होता, ये तो मैं आप इंडिया को दोष दे रहे हैं, वो तो इमरान खान साहब ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि we need to revisit the terms and condition. ये कैसा प्रोजेक्ट है जिसका की टर्म्स एंड कंडीशन आज तक पब्लिक में नहीं है, यू डू नॉट नो whether it's an investment, it's a credit, what exactly is the financial terms and condition, किसी को पता नहीं है। और इंडिया की सेंसिटिविटी BRI से नहीं थी, इंडिया की सेंसिटिविटी उस कॉरिडोर से थी जो कॉरिडोर हमारे सॉवरेनिटी को प्रोजेक्ट करता को डिफाइल करता है, जो कि कश्मीर से होकर के जो जाता है CPEC से थी हमारी। वी हैड नो प्रॉब्लम विद BRI, आपको बनाना है बनाइए, कोई कंट्री आपसे खरीदना चाहता है कराइए, BRI तो चल ही रहा था ना, अफ्रीका में चल रहा था और जगह तो BRI चलता, श्रीलंका में चला था BRI, वी हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट। CPEC वॉज अ प्रॉब्लम बिकॉज हमारा ये है कि POK इज पार्ट ऑफ एन इंडिया एंड चाइना वॉज सिंपली पमलिंग डाउन अवर सॉवरेन क्लेम एंड दैट्स व्हाई took an exception to it. अब रही बात ये कि क्या चाइना का ग्रोथ इकोनॉमिकली, तो कोई बहुत पीछे नहीं है अमेरिका से, अमेरिका $25 trillion की इकोनॉमी है, चाइना $18 trillion की इकोनॉमी है, तो इकोनॉमिकली तो कोई अंतर नहीं है, बट चाइना की इकोनॉमी का बेस जो है वो इंक्लूसिव नहीं है। चाइना वन चाइना की पॉलिसी को, चाइना डू नॉट नो व्हाट इज प्लुरैलिटी, चाइना डू नॉट नो व्हाट इज द अदर व्यूज, चाइना डू नॉट नो व्हाट इज अदर पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, चाइना डू नॉट नो व्हाट इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, चाइना डज नॉट नो व्हाट इज डिसेंट। चाइना का ये है कि जैसे हमने अपने घर में ये $18 trillion पैदा किए, हम आपके घर में भी वही करेंगे। सो चाइना का ग्रोथ डेंजरस ग्रोथ है, चाइना का ग्रोथ का मतलब है एवरीवन वुड अगेन फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ इंपीरियलिज्म, जिससे बड़ी मुश्किल से यूएन चार्टर के थ्रू हमने डीकोलोनाइज कराया। आप CPEC में क्या आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे रहे थे, वो आपके ही वो किसी चाइनीज उसने ब्लास्फेमी की थी, उसको आपके आदमी वालों को बचा के निकालना पड़ा था। वो रिस्पेक्ट करते हैं किसी के कल्चर्स की सेंसिटिविटीज की, किसी की कल्चर सेंसिटिविटीज की उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनको ये पता है वी आर हियर टू सिंपली रूल यू, आप वन चाइना पॉलिसी को मानिए, ताइवान को मानिए, सब उनके हिसाब से चले। दोस्तों आपको शायद पता हो कि भारत ने नेपाल से कुछ नहीं लिया, हमने सिर्फ और सिर्फ नेपाल को अपना भाई समझ के, छोटा भाई समझ के, बहन समझ के, नेपाल और भारत के कई रिश्ते हैं। ऐसा कहा जाता है सीता जी, जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार सीता जी नेपाल की थी और भगवान श्री राम अपने भारत के थे, तो नेपाल और भारत के बहुत रिश्ते हैं, हिस्टोरिक रिलेशन है, और शायद नेपाल उन देशों में से है भारत के बाद जो हिंदू बहुल देश है, ठीक है। लेकिन नेपाल जानबूझ के चाइना के क्लोज जा रहा है, नेपाल के लोग नहीं, नेपाल के जो गवर्नमेंट में है, जो रूलिंग एलीट है, वो चाइना की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाइना जो है लोकल लोगों के कल्याण के लिए पैसे नहीं देता, चाइना गवर्नमेंट को पैसे देता। जैसे अब आप ये सोचिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनको चाइना पैसे देता है, ये चाइना ये नहीं कहता कि आप नेपाल के लोगों को पैसे दें, चाइना कहता है भाई प्रधानमंत्री जी आप पैसे रखिए। तो भाई जब प्रधानमंत्री पैसे ले लेगा तो वो तो चाइना का ही फेवर करेगा, लेकिन जो नेपाली लोग हैं वो चाहते हैं भारत से रिश्ते अच्छे हों। ये दोहरी मानसिकता लगभग जब से नेपाल में लोकतंत्र आया तब से नेपाल के लोग भारत को प्यार करते हैं, नेपाली जो गवर्नमेंट है वो चाइना की टट्टू है। अब चाइना कहता है कि नहीं आप बॉर्डर ले लें, अब आपको बताइए कि क्या नेपाल इतनी बड़ी महाशक्ति है कि वो भारत से एक इंच जमीन भी छीन सकती है? कोई भी देश का, मैं नेपाल की बात नहीं कर रहा, कोई भी देश, क्या ऐसा संभव है आज के समय में? हाँ नेहरू साहब ने जो गलतियां की वो छोड़ दें हम, लेकिन आज के समय में चाहे दुनिया का कोई सा भी बड़ा तोपची हो, एक इंच की जमीन भी भारत से नहीं ले सकता। नेपाल अपने बॉर्डर में लगातार भारतीय इलाकों को अपना बताता है, मतलब क्या सेंस है? अब BRI से एग्जिट होने का फैसला नेपाल ने
मुझे नहीं लगता सही समय पे लिया, क्योंकि नेपाल की जो इकोनॉमी है वो तो चाइनीज ने 70% तो किल कर दिया है लोन दे देने के। जो डिपेंडेंट है, जो नेपाल चल रहा है वो भारत भरोसे चल रहा है, चाइना से ट्रेड ये कर नहीं सकते क्योंकि बीच में बहुत बड़े बड़े माउंटेंस हैं, उसके थ्रू ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है। तो भारत से रिलेशन अच्छे चाहते हैं, लेकिन भारत गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा, ऐसे डिसीजन नहीं लेना। जुड़े रहे ऐसे वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।